So now we will discuss ABO blood group क्या test transfusion. Okay, ABO blood group transfusion मतलब आदान प्रदान. Okay, so this is called ABO blood group transfusion. Now इसमें आप इसके पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ेगा भाई एडा बुझिया पूर्वरु हम गोटे टेबल टे कर नाउ इसमें पहले हम इसको हाफ कर देंगे या वन थर्ड फिर इसको हम अलग अलग हिस्सों में बांट देंगे. ओके सो नाउ दीज आर आवर फोर कॉलम्स. Now, अब हम रोज बनाएंगे एक देख ठीक है एंड ये हमारा हो गया क्या दिस इज आवर मेन टेबल. ठीक है नाउ इधर हम लोग एक डायगोनल लाइन करेंगे इसलिए इसको हम लोग डायगोनल बॉक्स कहते हैं. नाउ इस तरफ हम क्या पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप. ठीक है सो इस साइड वी विल रीड ब्लड ग्रुप. ठीक है एंड ए तौल को कौन पढ़ेगा हमें दैट इज द फीचर्स. ठीक है सो ये ब्लड ग्रुप है ये फीचर्स है. तो नाउ हमारे पास चार ब्लड ग्रुप्स हैं आपको पता है तो वी विल राइट देम इन डिटेल्स. तो ए बी सी डी फाइन ए बी सी डी. तो व्हाट आर दी सी ब्लड ग्रुप इसको हम लोग क्या कहते थे This is called O. And D blood group जो था वो क्या था That is A B. ठीक है तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है अबाउट लैंडस्टाइनर. चलिए तो प्रथम अरे हमें कौन लिखिबा इन द फर्स्ट कॉलम वी विल राइट कौन एग्लुटिनोजेंस एग्लूटिनोजेंस या एंटीजेंस. ओके एग्लूटिनोजेंस या एंटीजेंस. ठीक है तो एग्लूटिनोजेंस या एंटीजेंस या क्या कहाँ होता है ऑन द आरबीसी प्लास्मा मेम्ब्रेन. ठीक है तो आरबीसी प्लास्मा मेम्ब्रेन में क्या होगा आपका एंटीजेंस. ओके इसको हम लोग एपिटोप भी बोलते हैं एपिटोप. ठीक है जी सो दिस इज कॉल्ड एपिटोप. नाउ इधर क्या आ जाएगा हमारा दिस इज कॉल्ड एग्लूटिनिंस एग्लूटिनिंस या एंटीबॉडीज इन द ब्लड प्लास्मा. ठीक है इन द ब्लड प्लास्मा. ठीक है जी तो ये हमारा हो गया फीचर्स. नाउ अब आप बोलिए ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा सर बोलो ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन होगा वो B, है ए ए पागल A. अरे ए है इसलिए तो तुम उसको ए ब्लड ग्रुप बोलते हो ना तो ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन होता है. ठीक है सो दिस इज कॉल्ड ए एंटीजन. ठीक है बी ब्लड ग्रुप में कौन सा होगा बी एंटीजन बी एंटीजन बी एंटीजन
ओके नाउ एबी ब्लड ग्रुप में क्या ओ में क्या होगा, नीदर है कि नहीं, तो एबी में है नीदर है ओ में, एबी में क्या है बोथ ए एंड बी, ओके ए एंड बी ठीक है, तो इसमें दोनों होगा क्लियर। सो ये हमारा एंटीजन हो गया, एंटीजन मतलब यू नो व्हाट इज एंटीजन, एंटीबॉडी जेनरेटिंग, अदा बाटदलो एंटीबॉडी जेनरेटिंग, इसको हम क्या बोलते हैं एंटीजन। ओके अब जिसको देख के फॉर एग्जाम्पल अगर सूर्य का एक ऐसा सपोज आपका जो फेस है तो उसमें कुछ एक ऐसा यूनिक चीज बताइए जिससे आपको हम पहचान सकते हैं सिर्फ उतना ही देखकर। कान के नीचे मोल है सपोज है कि नहीं ना, सपोज या कोई एक हार्ट शेप का इयर रिंग पहनता है या ऐसे ऐसे, आप देखते होंगे कभी कभी क्विज में जो वीडियो क्लू होता है उसमें वो लोग क्या देते हैं वीडियो क्लू में, वो लोग एक फेस दिखाएंगे सपोज नाक दिखाए बोलिए कौन सा हीरोइन का है कि नहीं, पूछते हैं कि नहीं ऐसा क्वेश्चंस, उसी तरह आंख दिखा के बोलेंगे ये किस हीरोइन का है, तो इसका मतलब है देयर आर सम थिंग्स यूनिक टू दैट हीरोइन व्हिच हेल्प्स हर टू बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम अदर हीरोइंस, तो उसी तरह से उसी को हम लोग कहते हैं एंटीजन, क्योंकि उसी को देखकर हम एंटीबॉडी बनाएंगे, समझ रहे हो। तो अभी जैसे अब जो दवा है, दवा क्या कैसे बनाते हैं हम लोग, उस एंटीजन को पहचानने वाला, अंडरस्टूड, सो दैट इज कॉल्ड। सर एक बार बोलो सर, हमारे वहां पे स्कूल में पढ़ाया गया था कि एंटीजन मतलब फॉरेन फॉरेन पार्टिकल्स होगा ऑब्वियसली सर, सो ए का फॉरेन तो बी हुआ ना, ए का फॉरेन ए कैसे होगा, सुनो एंटीजन फॉरेन है कब, अगर वो माने सुनो तुम्हारा ब्लड रे जो ए अच्छी ताकु तुम सिस्टम कहीं मारूनी का है क्योंकि तुम्हारा है, तो उसको कैसे पता चला तुम्हारे पास कौन सा ब्लड ग्रुप है, एंटीजन को ही देखा ना, सपोज तो ब्लड ग्रुप होची ए एंड सत्यरा ब्लड ग्रुप होची बी, समझ रहे हो, तो अब सपोज तुम सत्य को ब्लड दोगे तो उसका इम्यून सिस्टम तुम्हारा ब्लड को पहचानेगा, नहीं खुद का नहीं पहचानेगा दूसरे का पहचानेगा, तुम्हारा नहीं पहचानेगा किसी और का है, यस नहीं नहीं फॉरेन है, फॉरेन है ये पहचानेगा, बट तोर ब्लड को कौन चिन्हुची, इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइजेस योर ब्लड और नॉट योर ब्लड, नॉट रिकॉग्नाइजेस माय ब्लड। आप दो दिन पहले सत्य स्कूल में गया था तो गार्ड उसको बुरी नजरों से देख रहा था, बट आज जब सत्य स्कूल में गया तो गार्ड उसको बुरी नजरों से नहीं देख रहा था, क्यों सत्य, कैन यू टेल मी, बोलो सत्य वाई बेरा बाबू वॉज नॉट लुकिंग एट यू टूडे बट टू डेज बिफोर ही वॉज ग्लेयरिंग एट यू, सर तब पहचाना नहीं था, पहचान गया सत्य, यू आर देयर और नॉट, ये लोग एक्चुअली क्लास, यस सर देयर हियर हियर, तो वाई तुम लोग आंसर क्यों नहीं करते यार, बड़ा गुस्सा आता है मेरे को, आइदर तो ये क्लास मत करो क्योंकि मैं भी तो थक जाता हूँ ना, तुम लोग को अगर चुप बैठना है तो मेरे को भी बोलो फोन करके, मैं सो जाया करूंगा तुम लोग वहां सो जाना, बढ़िया बात है, कोई टेंशन ही नहीं है। सॉरी सर एक्चुअली क्वेश्चन नहीं सुन पाया था, वो आत्मन को आईडी पासवर्ड दे रहा था, तो तुम्हारा जो प्रॉब्लम है तो तुम ही बोलोगे ना, हाउ सूर्य विल नो कि तेरे को क्यों बेरा बाबू नहीं देख रहा था, सत्य इज आवर स्कूल स्टूडेंट फ्रॉम नर्सरी,
तो व्हाई भैरव बाबू वाज गिविंग यू अ ग्लेयर डे बिफोर यस्टरडे? रिकॉग्नाइज कर पा रहे? क्यों तेरे को नहीं रिकॉग्नाइज किया? सो बिकॉज मू अनइजुअल वेयर इज गोइंग टू बी बिकॉज यू आर नॉट इन यूनिफॉर्म. यस सर. व्हाई यू आर नॉट इन यूनिफॉर्म? बिकॉज यू आर ए डमी स्टूडेंट. आपको यूनिफॉर्म मिलेगा कहां से? बट जैसे आज तुमने नाम लिखाया, फिर स्कूल हिस्ट्री में तुम्हारे यूनिफॉर्म मिला, अब आप यूनिफॉर्म पहन के आ रहे हो, उसको कोई टेंशन नहीं है. तो समझ रहे हो? इसीलिए yes. आज भी उसने तुम्हें देखा बट उसे प्रॉब्लम नहीं हुआ, कल जब देखा था उसे प्रॉब्लम हुआ था. बुझिला सूर्य स्नाता जी, आपका जो इम्यून सिस्टम आपका ब्लड को पहचानता है, इसीलिए उसे कुछ yes. नहीं बोलता. तो को जिनस को देख ले तो भाबुची एंटीजन. बट जैसे ही सत्य का बी आया, वो सडनली जान गया कि ये तो मेरा नहीं है, तो अब इसका साथ क्या किया जाए? उड़ा दो. सो इमीडिएटली वो क्या करेगा? तुम्हें उड़ाने का प्लान अप करेगा. तो डू अंडरस्टैंड? इसलिए एंटीजन रा मानने होची फॉरेन, बट ये तुम्हारा जो एंटीजन है वो तुम्हारे लिए फॉरेन नहीं है. इसलिए प्लीज रिमेम्बर, जब हम इम्यून सिस्टम पढ़ते हैं, वो एक्टिव इम्यूनिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज, इट हैज द कैपेबिलिटी ऑफ आइडेंटिफाइंग सेल्फ एंड नॉन सेल्फ. समझे कि नहीं? तो अगर सेल्फ है तो कुछ नहीं करेंगे, अगर नॉन सेल्फ है तो भगा देंगे. ओके पहले जमाने में जब सुजान खान के साथ ऋतिक घूमता था तो लोग क्या बोलते थे? कुछ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं पति पत्नी घूम रहे हैं. बट अब जब सुजान खान ऋतिक रोशन के साथ घूमती है, लोग बोलेंगे बहया लड़की है, छोड़ने के बाद फिर घूम रही है उसके साथ. तो नाउ दे आर डिवोर्स्ड, तो व्हाई दे आर मूविंग विथ हिम? तो आप लोगों को प्रॉब्लम है अगर सुजान घूमे ऋतिक रोशन के साथ. अंडरस्टैंड? बट पहले कोई दिक्कत नहीं था, तो जस्ट लाइक दैट. ओके तो इसलिए दोनों ही एंटीजन है, बट ये सेल्फ एंटी, ये अपना है इसलिए बॉडी रिएक्ट नहीं करता, वो फॉरेन है इसलिए बॉडी रिएक्ट करता है. तो उसको हम एंटीजन क्यों कहते हैं? एंटीबॉडी जेनरेटिंग जेनरेशन. तो अगर आपका ए ब्लड ग्रुप आएगा तो हम ब्लड रे एंटीबॉडी तैयारी हो बना नहीं सर नहीं, किंतु यदि बी आसिला तैयारी हो बना नहीं. यस सर. यस सर. चलिए अब सुनो, अब तुम्हारे लिए कौन सा एंटीजन है ए? तो इसलिए बॉडी कौन सा एंटीबॉडी रखेगा? एंटी बी. समझ रहे हो? क्योंकि ये स्ट्रिंजर है, तो अगर सत्य का ब्लड आया तो निश्चय नाबूद कर देंगे, इसलिए तुम एंटी बी रखे हो. दिस इज फॉर द बी, बी तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर है. उसी तरह बी वाला किसको रखा है? एंटी ए. एंटी ए. ओ वाला के लिए दोनों ही स्ट्रेंजर है, तो वो क्या रखा है? बोथ ए. हाँ, एंटी ए. बोथ एंटी ए एंड एंटी बी. ठीक है, बोथ एंटी ए एंड एंटी बी. ठीक है, ए बी सर यूनिवर्सल एक्सेप्टर है तो कोई भी नहीं रखा. हाँ, कोई भी उसका वो दोनों को पहचानता है. सो ये नन. सो दिस इज द कंसेप्ट. ओके तो ये आपका बॉडी के पास होता है. तो अब जब हम ब्लड, अब क्या करेंगे हम लोग? ब्लड डोनेशन. ओके ब्लड डोनेशन. तो ब्लड डोनेशन एक पुण्य चीज है, ये गधे बोलते हैं, कभी भी ब्लड डोनेट नहीं करना.
क्योंकि ये लोग लेके उसको नष्ट कर देंगे, ब्लड ज्यादा देर तक रहता नहीं है, समझे? तो अगर आपका ब्लड का डिमांड नहीं है तो बैंक उसको ज्यादा देर रख नहीं सकता, वो फेंकेंगे। इसलिए कब आप ब्लड डोनेट करोगे? जब किसी को चाहिए, हाँ, ऑन द स्पॉट। डोंट गिव इट टू बैंक्स एंड ऑल, बिकॉज दे आर टेकिंग सो मच मनी बट दे आर मिसबिहेविंग विद इट। तो जो नीडी है उसको डायरेक्टली दे देना, उससे पुण्य भी कमाओगे। अब चलिए, सो ये हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, आदान प्रदान, ठीक है जी? सो नाउ वी विल डिस्कस ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो कौन किसको हम दे सकता है, कौन किससे लेगा? सो वी विल मेक टू कॉलम्स एंड अल्टीमेटली फोर रोज, ठीक है? नाउ तो फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या लिखेंगे? ब्लड ग्रुप, ओके? तो उसको हम लोग लिखेंगे ब्लड ग्रुप। नाउ नेक्स्ट में लिखेंगे कैन गिव टू, ओके? कैन गिव टू, एंड अगले में लिखेंगे कैन टेक फ्रॉम, ओके? तो नेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे कैन टेक फ्रॉम। नाउ अब सो हमारा कौन कौन सा ब्लड ग्रुप है, सब नीचे नीचे लिख देंगे, ठीक है जी? थोड़ा तड़ू तड़ू लिख देवा हमें। सो ए बी, ए बी ओ, फाइन। तो ये हमारा चार प्रकार का ब्लड ग्रुप है, तो इसको हम लोग लिख देंगे ए बी ए बी ओ। आप बताइए हम किस किस को दे सकते हैं ना, प्लीज ध्यान देंगे। सुनो सुनो, शांत, एकदम शांत, हर समय सुनिए फिर बात करिए। शब्द भेदी बाण गला पर आओ फेरी बनी, बिकॉज सबसे ज्यादा प्यार आपको कौन करता है? माइनस वन। तो उस माइनस वन से डरिए। आप सुनिए, जो ए ब्लड ग्रुप है ये जब दोगे तो हर समय देते समय क्या ध्यान दोगे कि वो नष्ट ना कर दे। भाई 250 ml ब्लड देते हैं, 250 ml में क्या होता है आप सोचोगे ना, तो जिंदगी में ब्लड नहीं दोगे। अंडरस्टूड? तो देर आर 250 ml ऑफ ब्लड यू आर गिविंग पर यूनिट, सो इसीलिए बी केयरफुल। तो अगर दोगे तो ये सोचना कि वो नष्ट ना कर दे। नेला आड़ को भाभी बहुत तम देह तो फाटी बनी ना। समीक्षा, ए कैन गिव टू, सर ए बी, एंड ओ नहीं, सुनिए, इसलिए सोचो सोचो सोचो, ए को दिल्ली जब आप करोगे, कैसे करोगे मैं बता रहा हूं। You will do like this. A को दिया, उसके पास एंटी बी है तो मेरा कुछ नहीं करेगा, तो ठीक है, वेरी गुड। ए बी को दिया, उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है तो कुछ नहीं करेगा, चलो। बी को दिया, एंटी ए मार देगा, एंटी बी। तो ए बी को देले कौन हब, ता पाखर कौन अच्छी, एंटी ए, तो सी ए को मार दब, नहीं देंगे। ओ को देली तो ता पाखर दीटा का अच्छी, मार दबो, तो आप किसको देंगे? तो इसको इस तरह से करना है, तुक्का नहीं लगाना है, नो गेस वर्क। सो दिस इज हाउ यू विल डू इट, समझ रहे हो? अब मुन्ने लीटा सिखे दिए, अब सपोज हम लेंगे, ओके? सो नाउ वी विल टेक। नाउ जब लेते समय क्या देखोगे, तुम तो नहीं मार दोगे, तो अब ए को हमने ए दिया, ओके? तो वी हैव गिवन ए, तो ए के पास ए को, सॉरी, हमने ए से लिया, तो ए के पास क्या होता है, एंटी बी, हमारे पास भी एंटी बी है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ले सकते हैं। ओ से लिया, ओ से जब हम लेंगे तो क्या है, उसमें एंटी ए होता है,
तो कुछ ना कुछ तो मारेगा, बट फिर भी ले लेते हैं क्योंकि और अगर ए नहीं मिल रहा है, सपोज यू आर नॉट गेटिंग ए बट ओ मिल रहा है तो ले लेंगे, बट कुछ मारामारी होगा क्योंकि ओ के पास एंटी ए होता है। चलो बी से ले लेते हैं, बी से जब लोगे तो तुम्हारा जो ब्लड है एंटी बी उसको मार देगा, नहीं ले सकते, तो ऑटोमेटिकली ए बी से भी नहीं ले सकते, तो आंसर क्या हो गया ए एंड ओ। तो यही बड़ा भाभी की सब बड़े करीब, तो इधर क्या लिखेंगे, तो इधर बताओ फटाफट सृजिता, बी किस से किसको देगा, बी एंड ए बी, ए बी, ए बी किसको देगा सूर्या, ए बी ओनली ए बी, क्योंकि बाकी सब में एंटी कुछ ना कुछ है वो उड़ा देंगे, तो ओके दे विल डिस्ट्रॉय ए बी, इसलिए ए बी हम किसी को दे नहीं सकते, तो इसीलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट, वो दे किसी से नहीं सकता बट लेगा सबसे। तो क्यों उसको यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहते हैं, क्योंकि लोगा वो ओ से ए से बी से ए बी से, तो इट विल टेक फ्रॉम एवरीबॉडी बट गिव इट टू ओनली व्हाट, इट विल गिव इट टू ओनली ए बी, ए बी। चलो तो ये महास्वार्थी है, तो नब समस्तंकु टू दब कहकु नहीं, क्लियर। ओ ओ उल्टा है एक्चुअली, वो देगा सबको, तो ओ ए बी ए बी, ओके ए बी ए, ठीक है, ओ ए बी ए बी, ये सबको देगा बट लेगा किससे, सिर्फ ओ से, ओके ओनली ओ। उसी तरह बी किससे लेगा, बी एंड ओ, हला, सो दिस इज द कंसेप्ट। तो ये हमारा ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन हो गया, इसीलिए ओ को हम लोग क्या कहते हैं, सिंस ये सबको दे सकता है हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर, समझ रहे हो, इसको हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, ओके चलिए। सो ये हमारा डोनेशन हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप टेस्टिंग। तो टेस्टिंग में हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली मार्केट में ऑलरेडी ये एंटीबॉडीज मिलता है, आपको एंटी ए मिलेगा एंटी बी मिलेगा, उसको हम डालेंगे ब्लड में एंड देखेंगे किसमें ब्लड नष्ट हो रहा है, तो जिसको डालने से ब्लड नष्ट हो रहा है वो एंटीजन आपके पास है, सो दैट इज व्हाई हम लोग जान जाएंगे कि कौन सा ब्लड ग्रुप यूज हो रहा है।